इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें महादेव बेटिंग ऐप और उसके साथ साथ 22 और अवैध बेटिंग ऐप और उनकी वेबसाइट जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, ये जो बेटिंग ऐप वाला पूरा मामला है, इसका एक राजनीतिक पहलू है जो छत्तीसगढ़ में होता दिखाई पड़ रहा है, साथ ही साथ अब इस पर कड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये इसका कानूनी शेड, इसमें ये फैसला किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की ओर से कि महादेव ऐप समेत जो 22 ऐप इस तरह के जो सट्टेबाजी के ऐप हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और ये फैसला एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की दरखास्त के बाद किया गया। इसमें जो मंत्री है राजीव चंद्रशेखर, उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार वहां पर पिछले 1.5 साल से इन तमाम ऐप की जो है छानबीन कर रही थी, लेकिन उसको ये अधिकार था छत्तीसगढ़ सरकार को कि वो आईटी एक्ट के तहत चाहती तो ये सिफारिश कर सकती थी कि इस ऐप के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा नहीं किया। और अब जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ये सिफारिश की है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये 22 ऐप को जो है पाबंदी करने का फैसला जारी कर दिया है और इसके तहत जो है ये इन तमाम बैटिंग ऐप के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसमें ये भी जानकारी दी गई है सरकार की ओर से कि इसमें भीम सिंह यादव जो छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है और साथ ही असीम दा उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये दो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी ईडी की ओर से की गई है। और इसके बाद अब ये एक बड़ा फैसला करते हुए महादेव ऐप समेत 22 जो इस तरह की सट्टेबाजी वाली ऐप है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। ये बड़ा फैसला इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। अखिलेश, जाने से पहले मैं आपसे छत्तीसगढ़ चुनाव के बारे में यही चर्चा करना चाह रहा था, क्योंकि इसी ऐप को लेकर और इसके जो प्रमोटर्स हैं या जो इसके मालिक हैं उनको लेकर अब कुछ वीडियो सामने आए हैं। क्या इसका राजनीतिक असर भूपेश बघेल के लिए आप होता देख रहे हैं? देखिए, मुश्किलें तो उनकी बढ़ रही। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई परसों रायपुर में, बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी जो जनसभा हुई थी दुर्ग में, उसमें इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने महादेव नाम तक को नहीं छोड़ा और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल पूछे थे कि जो छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री हैं उनके तार किस तरह से इस घोटाले के जो सट्टेबाज है, जो घोटालेबाज है उनसे जुड़ते हैं, जो दुबई में बैठे लोग हैं उनसे किस तरह से जुड़ते हैं, ये सवाल मीडिया में पूछे जा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने खुद इस पूरे घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस सरकार पर तीखा वार किया है। इसके साथ जैसा आपने बताया कि कई वीडियोस भी इसको लेकर के जारी किए गए हैं और ये आरोप भी लगाए गए हैं कुछ अभियुक्तों की ओर से कि इसमें जो है जो बड़े नेता हैं उनको भी इसका पैसा पहुंचाया गया। तो इस लिहाज से जबकि छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, वैसी सूरत में जो महादेव ऐप का पूरा मामला है इसको लेकर के कांग्रेस सरकार वहां पर लगातार सवालों के घेरे में घिरती है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार की और ईडी की दरख्वास्त पर एक बड़ी कार्रवाई, महादेव ऐप और उसके साथ साथ जो 22 अलग अलग इस तरह की बैटिंग ऐप हैं उनको बैन कर दिया गया। इसी पर जुड़ी हुई जो खबर है उसको थोड़ा और विस्तार से आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महादेव बैटिंग ऐप को जो लेकर पूरा सियासी तूफान मचा हुआ है वो अब मुख्यमंत्री के द्वार तक पहुंच गया। आरोपों से घिरे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अभी इन आरोपों की जांच जरूर कर रही। लेकिन महादेव बैटिंग ऐप केस में जो एक आरोपी है शुभम सोनी, उसने दुबई से एक बयान जारी किया है। उसने कहा है कि भूपेश बघेल के कहने पर वो दुबई गया था। शुभम सोनी ने यह भी कहा है कि महादेव बैटिंग ऐप का मालिक वो ही है। इससे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में आरोपी असीम दास ने कहा था कि महादेव बैटिंग ऐप की ओर से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह रकम का इस्तेमाल जो है चुनाव में लड़ने के लिए दिया गया था। अब ये सब आरोप गंभीर हैं, लेकिन अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और एजेंसीज को इनके तथ्यों की जो गहन जांच करनी बची है। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाकर अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे।
हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे भगेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर। महादेव ऐप मामले में आरोपी शुभम सोनी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि वही महादेव ऐप का मालिक है। उसने वीडियो में अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना पासपोर्ट भी दिखाया है। उसने यह भी दावा किया है कि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर दुबई चला गया था और वहीं से लगातार अपने धंधे को ऑपरेट कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले ईडी ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी की थी और दो आरोपी असीम दास और भीम यादव को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 5,39,00,000 रुपए बरामद हुए थे। आरोपी असीम दास ने कहा कि ये पैसे दुबई से शुभम सोनी ने हवाला के जरिए भेजे हैं और ये पैसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देना था। आरोपी ने यह भी कहा था कि अब तक जो शुभम सोनी है और जो बाकी आरोपी हैं इस महादेव ऐप के, वो दुबई से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दे चुके हैं, जिनका इस्तेमाल वो चुनाव में करते आए हैं और इस चुनाव में भी जो पैसे का इस्तेमाल है वो होना था। तो इसके बाद यही बात आरोपी शुभम सोनी ने कही है। उसने वीडियो जारी किया है और उसने ये कहा है कि वो लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संपर्क में था। उसने कहा कि भिलाई में उसका छोटा मोटा काम था सट्टे का, उसके बाद उसका काम बढ़ता गया, उसके पास पैसा आने लगा और उसके जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया। उसके बाद वो धीरे धीरे और पैसा कमाने लगा और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर वो दुबई चला गया और वहाँ से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उनके जो करीबी हैं वर्मा जी, उनके संपर्क में आ गया और हर महीने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10,00,000 रुपए देने लगा। इसके बाद उसका ये भी एलिगेशन है कि उसके लड़के लगातार पकड़े गए और जब लड़के उसके अरेस्ट हुए तो उसने वर्मा जी से बोला कि मेरी मीटिंग जो है वो सीएम साहब से करवाई जाए। इसके बाद जो है एक बिट्टू जी हैं जो कि सीएम के बहुत काफ़ी करीबी हैं, वो उसके संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि दुबई में तुम अपना काम बढ़ाओ और वहाँ से लगातार जो अपना धंधा है उसको ऑपरेट करो। इसके साथ ही उसका कहना ये था कि मेरा काम अच्छा चल रहा था लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हुई, मेरे लड़के लगातार पकड़े गए, रायपुर आया मैं और फिर वर्मा जी और गिरीश तिवारी के जरिए उस वक्त एसपी प्रशांत अग्रवाल से मिला। प्रशांत अग्रवाल ने मेरी बात अपने फ़ोन से स्पीकर से सीएम बघेल से करवाई। उन्होंने बोला कि वहाँ काम संभालने भेजा था तो मालिक बन गया। मैंने रिक्वेस्ट किया तो बोले प्रशांत जी से बात करो, समझा देना तुम्हें क्या करना है। फिर प्रशांत जी ने बोला कि जिस जिसको पैसे देने हैं उसको पैसे भेज दो। बिट्टू भैया के जरिए मैंने 508 करोड़ रुपए जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिए, उसके बाद भी मुझे परेशानी होती रही। उसने ये भी कहा कि मैंने लिखित बयान में साफ बताया है कि कितना पैसा किस किस को और कब कब किस तरह दिया। तो ये आरोप जरूर लगे हैं गंभीर और इनकी अभी जांच जो है वो होना बाकी है और बाकी क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव से बिल्कुल पहले इस तरह के गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पर लगे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं टाइमिंग पर भी सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है।